रुक करेंगे देवघर की खबर का, जहां पर 2 साल से श्रावणी मेला का आयोजन नहीं हुआ है और इस बार इसके आयोजन होने की संभावना जताई जा रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन मंदिर में कई काम करवा रहा है। तो वहीं सांसद निशिकांत दुबे ने जिला प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। सांसद ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पिछले 3 सालों से श्राइन बोर्ड की बैठक नहीं हुई है, फिर किसके परमिशन से जिलाधिकारी मंदिर ट्रस्ट का पैसा निकाल कर खर्च कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री कृष्णानंद झा ने काम को लेकर आपत्ति जताई थी, लेकिन सरकार की कार्रवाई से वह डर गए और केस वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि वह शासन प्रशासन की कार्रवाई से डरने वाले नहीं है। पिछले 2.5 साल से ट्रस्ट की कोई बैठक नहीं हुई। यह सरकार नहीं है जो कि आप घटनोत्तर स्वीकृति ले सकते हैं या आप पैसा खर्च कर लीजिए और उसके बाद स्वीकृति लीजिए। कलेक्टर ने, यहां के जिलाधिकारी ने किस आधार पर पैसा निकाला है, यह ऑडिट का एक बड़ा सवाल है। और उसमें वो सीधा सीधा, क्योंकि उनकी अथॉरिटी ही नहीं है, आप यदि निकालेंगे तो ट्रस्ट की बैठक होगी, ट्रस्ट की कोई बैठक नहीं है। आपने कोई आदेश जो है ट्रस्ट के अध्यक्ष से लिया है वो भी नहीं है। ये सारे काम इलीगल हैं, गलत हैं।